नमस्कार के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के पनागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पडरिया में प्रतीक को जिसके विरुद्ध जबलपुर की विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न अपराध थी, उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए जंगल रिसोर्ट बनाया गया, जिस पर आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जंगल रिसोर्ट में बुलडोजर चलाते हुए 65 लाख कीमत की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। वही रिसोर्ट में 3 कमरों का निर्माण भी प्रतीक गोर के द्वारा कराया गया था, जिनकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है, जिन्हें आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जमींदोज किया गया है। वही मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल SP गोपाल खंडेल ने बताया कि जबलपुर SP को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रतीक सिंह और जिसके विरोध पूर्व में चोरी नकबजनी की आदि प्रकरणों में पकड़ा गया है, उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए जंगल में रिसोर्ट का नाम संचालित किया जा रहा है। वहीं आज शासकीय भूमि को प्रतीक सिंह और राजेंद्र सिंह गौर और शिव कुमार चौधरी से कब्जा मुक्त कराया गया है। 1 एकड़ शासकीय भूमि जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण को भी जमींदोज किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत राजेंद्र सिंह गौर और शिव कुमार चौधरी के द्वारा करीब 1 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा करके जंगल रिसोर्ट बना लिया गया था। उसमें कुछ कमरे भी उन्होंने बना लिए थे और वहां पर वो रिसोर्ट का संचालन कर रहे थे। सूचना मिली थी कि ये जो रिसोर्ट है ये शासकीय भूमि पर बना हुआ है, कुछ प्राइवेट ज़मीन पर और अधिकांशतः शासकीय भूमि पर बना हुआ है। इस सूचना पर उसे नोटिस दिया गया, राजस्व विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से उसको मौके पर जाकर देखा भी गया और इसके पश्चात शासकीय पाए जाने पर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 1 एकड़ जो भूमि थी वो मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये आंकी गई है। अब इसमें राजस्व विभाग के को ये बताया गया है कि उनके द्वारा इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करें, राजस्व के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।